कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक की बहन और टीवी एक्ट्रेस आरती सिंह अपनी मैरिड लाइफ में काफी खुश हैं, लेकिन हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने तलाक की खबरों पर रिएक्ट किया। एक्ट्रेस ने शेयर किया कि ऐसी खबरों के पीछे रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। जब ये खबरें सामने आई तो मैं बहुत परेशान हो गई, लेकिन मैं ऐसे लोगों को मेरी नजर पट्टू बांधती हूँ। हम दोनों साथ में बहुत खुश हैं। राजी में आलिया भट्ट के पिता हिदायत खान की भूमिका निभाने वाले रजत कपूर ने बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट और सपोर्टिंग एक्ट्रेस की स्थिति को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा, इंडस्ट्री में सपोर्टिंग एक्टर्स को कभी तो बहुत कम पैसे दिए जाते हैं और कभी कभी उनकी वक्त पर पेमेंट भी नहीं दी जाती। पेमेंट के किसी आश्वासन के बिना कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। एक्स हस्बैंड नागा चैतन्य और शोभिता धुलीपाला की सगाई के 16 दिन बाद समांथा ने एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है, जिसके बाद से वो लगातार चर्चा में है। समांथा रुथ प्रभु ने इंस्टाग्राम पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि प्यार त्याग है। एक्ट्रेस की इस पोस्ट ने लोगों के बीच हलचल मचा दी है। वहीं दूसरे पोस्ट में उन्होंने अपने लुक को लेकर कहा कि अच्छा शरीर और हेल्थ खरीदी नहीं जा सकती है। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल पर रिएक्शन दिया है। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने सिद्धार्थ कनंग को दिए गए इंटरव्यू में कहा, किस तरह की फिल्म है आप देख लीजिए, बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचाती है। पैचियाकी वाली फिल्म, लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, लाशों की ढेर है, क्यों मस्ती छाई हुई है। इस तरह की फिल्मों को डिस्करेज होना चाहिए और निंदा होनी चाहिए। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा हाल ही में मुंबई में अपने भाई सिद्धार्थ चोपड़ा और नीलम उपाध्याय की शादी के जश्न में शामिल हुई। शादी समारोह के दौरान उन्होंने गुलाबी रंग की एक शानदार साड़ी पहनी थी, जो उनका देसी गर्ल वाला लुक दे रहा था। अपनी मुंबई यात्रा के दौरान वह फिल्म सिटी भी गई। अब भारत से वापस जाते समय अभिनेत्री ने एक अलविदा मुंबई संदेश के साथ विदाई देते हुए एक वीडियो साझा किया है।